नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एडुलर्न के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हमने सिलोजिम्स पढ़ा है, रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, हमने कैलेंडर पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। ठीक है, क्लॉक को हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें एक तो क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड आउट द एंगल। ठीक है, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एंगल बताइए। ठीक है, एंगल फाइंड आउट कीजिए बिटवीन मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई के बीच में और आवर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई के बीच में। दूसरा क्वेश्चन आता है, इमेज वाले आते हैं, वर्टिकल इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज। ये वर्टिकल मतलब क्लॉक की शीशे में कैसी इमेज बनती है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्लॉक की पानी में कैसी इमेज बन रही है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा कि अभी 3 बज रहे हैं तो पानी में इस टाइम क्या दिखाई देगा घड़ी में, और एक डायरेक्शन वाले की, मिनट वाली हैंड की, एक डायरेक्शन वाले। ठीक है, कि आपका जो क्लॉक है उसमें अभी जो आपकी मिनट हैंड है या मिनट वाली सुई है वो ईस्ट में है, तो आपकी उसकी डायरेक्शन आवर वाले की क्या डायरेक्शन होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 तरीके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन से, एंगल से। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है, उन बेसिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स समझते हैं हम। देखिए, ये आपके पास एक क्लॉक है, लेकिन इसमें क्या, मैंने नीडिल निकाल ली है, सुइयां निकाल ली है, उस सुई को हम खुद बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी। पहले बेसिक्स समझते हैं। देखिए, ये एक घड़ी है, घड़ी को 1 से लेके 12 तक इसमें नंबर दिए हुए हैं। किसी भी घड़ी में, ठीक है, जो एनालॉग होगी, मैं डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, एनालॉग वॉच, ये एनालॉग वॉच है। ठीक, जो एनालॉग घड़ी है उसमें 3 ही नीडल होंगी या 3 ही सुई होंगी। कौन कौन सी होगी? पहली होगी आपकी मिनट हैंड, ये आपकी मिनट हैंड है। दूसरी आपकी होगी आवर हैंड, और तीसरी आपकी होगी क्या, सेकंड हैंड। यानी कि ये तो आपकी हो गई क्या, क्या हो गई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। पहली बात ये है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं उन लोगों के लिए, क्लास उन लोगों से स्टार्ट कर रहा हूं जो बिल्कुल नहीं जानते, जो कई कई बार एग्जाम दे चुके हैं या जिनको कई बार इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उनको लगेगा या क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट वो स्टूडेंट्स भी हैं जो शुरुआत कर रहे हैं अभी कॉम्पिटिशन की। ठीक है, तो ये होगी मिनट वाली सुई, ये आपकी हो गई आवर वाली यानी घंटे वाली सुई, जिसको बोलते हैं आवर हैंड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं आवर हैंड। और ये है हमारा सेकंड वाली सुई, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बोलते हैं सेकंड हैंड। तो यानी एक घड़ी है जिसके अंदर 3 सुई है, एक मिनट वाली सुई है, एक घंटे वाली सुई है, और एक सेकंड वाली सुई है, यानी आपकी मिनट हैंड है। मिनट हैंड ये रेड वाली, ये ब्लू वाली है आपकी आवर हैंड, और ये सेकंड वाली सुई यानी सेकंड हैंड। ठीक, तो 3 सुइयां होती है, ये बिल्कुल बेसिक से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपकी जो घड़ी है, ये एक सर्किल है कि नहीं है? ये सर्किल ही तो है, एक वृत्त ही तो है, वृत्त बोलते हैं ना हिंदी वाले स्टूडेंट, एक वृत्त ही तो है। अब मुझे ये बताइए कि एक सर्किल है, ये एक सर्किल है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक सर्किल है। अगर मैं इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सेंटर से शुरुआत करूं, यहां से घूमना, यहां से घूमते 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 घूमते, यहां से घूमते घूमते दोबारा यहां आ जाऊं, तो कितना एंगल बनाता हूं, कितने डिग्री का कोण बनाऊंगा? तो कितना बनाऊंगा, 360 डिग्री। बिल्कुल सही कि हम 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, जहां से हम चले थे वहीं पे अगर हम पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कितने का कोण बनाएंगे, 360 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेसिक्स है कि एक घड़ी है, 3 सुइयां होती है, बिल्कुल सर्किल की तरह होती है, वृत्त की तरह होती है, और जहां से हमने शुरुआत करी अगर वहीं पे पहुंच जाए तो एंगल बनता है 360 डिग्री का। ठीक है,
अब बात करते हैं, एक बार मैं इसको रफ कर दूं, अब दोबारा से हम एक बार, ये हमारी पहले मैं बात करता हूं मिनट हैंड की। कौन सी? मिनट हैंड, यानी कि मिनट वाली सुई की बात। बाकी मैंने जो निडिल है, जो सुई है, वो मैंने हटा दिए। अब ये बताइए, जो मिनट वाली सुई है, यहां से चले और यहां तक वापस अपनी पोजीशन में आने पर कितना टाइम लेती है? मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? आप कहेंगे कि सर ये पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है, यानी कि 1 घंटे में क्या करती है? एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, यही है। यानी 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 500 का। ये सर्किल है और सर्किल में आप जहां से चलेंगे और वहीं पे पहुंचेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का, यानी एंगल विल 360 डिग्री, 360 डिग्री का कौन हो गया? खत्म। बस यही समझना था, इसको आगे सोल्व करेंगे और एक फाइनली कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे। 60 मिनट में चला 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? आप कहेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 6 छिंग 36, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चला? 6 डिग्री, 1 मिनट में चला जी 6 डिग्री। यानी कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्रैकेट, ये छोटे छोटे ब्रैकेट, ये छोटा सा ब्रैकेट, यानी 12 से देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रैकेट आपको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल दिख रहेंगे। तो ये जो एक ब्रैकेट है, ये जो एक है, यानी कि अगर ये जो मिनट वाली सुई है, अगर एक ब्रैकेट चले, यानी कि ठीक है 1 मिनट चले, तो ये कोण बनता है कितने का? 6 डिग्री का, 6 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो कितने का बन रहा है? 6 डिग्री का बनेगा। और अगर मैं कहूं, क्या कहूं, कि अगर इस ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 5 मिनट में कितना चलेगा? 5 मिनट में चलेगा 6 डिग्री गुणा 5, यानी कि 6 पंजे 30 डिग्री चलेगा। 30 डिग्री चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यानी कि 12 से 1, ये कितना है? 5 मिनट है ना, 12 से 1 5 मिनट है। तो 12 से, अगर ये मिनट वाली सुई 12 से 1 पर आएगी, तो कितने का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का बनाएगी? आप कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर 1 से 2 आए, तब भी 30 डिग्री का बनाएगी। 2 से 3 आए, तब भी 30 डिग्री का बनाएगी। मैं आपसे कहूं कि मिनट वाली सुई 12 पे थी, मिनट वाली सुई 12 पे थी और कुछ देर बाद 3 पर आ गई, तो कितने डिग्री का कोण बनाया? आप कहेंगे सर 30 30 30, यानी 90 डिग्री का बनाया। यही तो होगा, ये इसका एक बेसिक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि मिनट वाली जो सुई है, वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, का एक एंगल बना रही है। तो 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री का कोण, ठीक। ये हमने देख लिया। अब करते हैं, ये तो थी हमारी मिनट वाली, मिनट वाली सुई क्या कर रही है? 1 मिनट में कितना बना रही है? 6 डिग्री, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री। ये तो हमने देख लिया मिनट वाली सुई का। अब हम बात करते हैं आवर हैंड का। ये तो हमारी थी कौन सी? मिनट वाली, हमने मिनट वाली थी ना, ये देखी थी मिनट वाली, ये मिनट वाली थी। इस मिनट वाली को तो आप छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं आवर हैंड का। ये हमारी है आवर हैंड, यानी घंटे वाली सुई। कौन सी है? घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं हम, घंटे वाली सुई। अब ये बताइए, ये जो अभी इस घंटे वाली सुई 3 पर है, ये घंटे वाली सुई 3 पर है, और इसको 3 से वापस 3 पर आने में
कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा? नहीं, वो तो मिनट वाली सुई थी। इसको 3 से, अगर दोपहर के 3 बज रहे हैं, सपोज कीजिए दोपहर में 3 पे है, तो वापस 3 पर कब घूम के आएगी? यानी रात को 3 बजी आएगी, यानी 12 घंटे लगते हैं। यानी कि इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 12 आवर्स, यानी 12 घंटे, यानी 12 आवर्स में कितना, एक पूरा चक्कर कर रही है, एक पूरा चक्कर लगा रही है, एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे ले रही है। यानी कि 12 आवर्स यानी 12 घंटे इक्वल टू 360 डिग्री। क्या सही लिखा है कि गलत? बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि घड़ी क्या है, एक सर्किल ही तो है, और सर्किल में जहां से चले वहां तक पहुंचे वापस, तो इतने में कोण बनता है कितना? 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा 12 घंटे में कितना बना? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 360 बटे 12, 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितना बना? 30 डिग्री। 1 घंटे में बनाया 30 डिग्री। यहां पे घंटे वाली सुई 1 घंटे में बना रही थी 30 डिग्री का, और मिनट वाली सुई 30 डिग्री कितने देर में बना रही है? 5 मिनट में। यानी कि ये जो मिनट वाली सुई थी, ये तो 5 मिनट में बना रही थी कितना? 30 डिग्री। 5 मिनट में बना रही है, मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है तो मिनट में ही तो बनाएगी। ये है आवर वाली सुई, ये बनाती है 1 घंटे में, 1 आवर में कितना? 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था, अगर 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, 3 से 4 आए, तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये अगर 3 वाली भी, ये 3 वाली सुई है, ये धीरे धीरे यहां आ जाए 4 पे, तो कितना एंगल आएगा? 30 ही तो आएगा। चाहे आप मिनट वाली से फाइंड आउट कर लो, चाहे आप आवर वाली से फाइंड आउट करो, 1 से 2, 2 से 3, या 3 से 4, या 4 से 5, जैसी आप आएंगे तो एंगल विल 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसे और सोल्व करते हैं। 1 आवर में 30 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे साहब 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट में होगा 30 बटे कितना? 60, यानी कि 1 बटे 2, यानी कि 0.5 आपका डिग्री। यानी कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई थी, 1 मिनट में ये चल रही कितनी थी? ये तो चल रही थी 6 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही थी, और ये चलेगी 1 मिनट में, आवर वाली कितनी चलेगी? 1 मिनट में चलेगी 0.5 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री। इसका मतलब है ये, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना था। अब जो क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन ये आते हैं कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, मैं थोड़ा रफ कर दूं इसको, ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल गुणा भाग है, ठीक है, उसको डिवाइड किया, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। मैं आपको एक याद, बस केवल ये याद करना है कि जो मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का। ये तो है मिनट वाली सुई की बात। जो घंटे वाली सुई है, यानी आवर हैंड है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना। कोई आपसे कहे कि ये वाली रामायण पढ़नी है, ये वाली रामायण पढ़नी है, उससे कह दो तू पढ़, मुझे एग्जाम क्लियर करके जो पानी है, ठीक है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेफजूल की चीजें, आप ये समझिए। ठीक, यहां तक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चंस में आपको हमेशा, मैं हम एंगल वाले, आज एंगल के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो पहले बात कर लेता हूं मैं, क्या करते हैं इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये बोल देंगे ये मिनट वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली सुई है, और ये आपकी है दूसरी आपकी आवर हैंड। ठीक, तो
क्या होगा, आपसे कहेंगे कि घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 बजे हैं, या फिर बोल सकते हैं घड़ी में 3 बजकर दस मिनट बजे हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण बताइए, मिनट हैंड और आवर हैंड, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण बताइए, यानी कि ये वाला कोण बताइए, ये बताइए थीटा, ये थीटा फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये आपसे थीटा पूछेंगे कि ये थीटा बताइए। अब क्या होगा, कई बार कई आप क्या करेंगे, इन दोनों का एंगल निकाल लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, वो क्या करता है, ये वाला एंगल ना देकर ये वाला एंगल दे देता है, ठीक है। वो कहता है इन दोनों का एंगल निकालिए, तो एंगल ये वाला भी तो होगा, अगर मैं इसको थीटा 2 बोल दूं और इसको थीटा 1 बोल दूं, तो क्या होता है, कई बार आपने थीटा 1 निकाल लिया एग्जाम में, लेकिन आपको चारों ऑप्शन में होता नहीं है, वो थीटा 2 होता है, तो कुछ नहीं करना, क्या करेंगे आप, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड आउट थीटा 2, तो आप क्या करेंगे, कह देंगे सर 360 माइनस थीटा 1। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में कई बार क्या होता है, आप एंगल जब निकालते हैं आप ये वाला निकालते हैं और ऑप्शन इधर वाले से होता है, तो कोई इशू नहीं है, 360 माइनस थीटा 1 कर दीजिएगा, बहुत सिंपल होता है, हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे। अच्छा एक बार और, एक बात और बता देता हूं आपको, क्या होगा कि बहुत से लोग इसकी ट्रिक बताएंगे, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, कुछ नहीं करना, केवल सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है वो लगाइए। वो फॉर्मूला क्या है, एंगल फाइंड आउट करने का, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, आवर हैंड यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, तो वो एंगल क्या होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा 11/2 m माइनस 30 × h, ये होगा आपका एंगल, ठीक है। बस केवल ये रखना है, जहां पे m क्या है, मिनट है, कितने मिनट दिया हुआ है, और आपका h दिया हुआ है आवर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4:40, यानी कि 4:40 पर, 4:40 पर घंटे मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है, यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या है ये बताइए, 4 क्या हो गया, आवर हो गया, और 40 क्या हो गया, मिनट हो गया, यही तो है, 4 आवर हो गया, घंटे हो गया, और 40 मिनट हो गया। हमने क्या फॉर्मूला रखा है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 × m माइनस 30 × h, यही तो है, 11/2 रखा, m की जगह रख दी हमने 40 माइनस 30 गुणा h की वैल्यू कितनी है, घंटे की 4, इससे काटा ये कितना आ गया 20, ये आ गया तो 11 × 22 220 हो गया, माइनस 3×12 120 ये हो गया, तो इन दोनों को इसको माइनस किया तो 0 और ये आ गया 100 डिग्री, तो एंगल विल 100 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट करेक्ट, आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट करेक्ट। अब मुझे आप एक क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहां पर 4:40 की जगह, इस 4:40 की जगह मैं रख रहा हूं 8:00, इस 4:40 की जगह मैंने रख दिया 8:20, अब क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 8:20, यानी कि 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, ठीक है, ये ऑप्शंस मत देखिएगा, ठीक है, इसको मत देखिएगा क्योंकि हमने टाइम चेंज कर दिया, 8:20 पर
घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमारा क्वेश्चन ये है। अब आ जाइए 8 बजकर, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है 11/2 एम माइनस 30 इंटू एच, यही तो फॉर्मूला हमारे पास। तो 11/2 एम की वैल्यू कितनी, मिनट कितने होगी, 20 इंटू 20 माइनस 30 गुणा एच की वैल्यू कितनी है 8, ये आ गया, इससे काटा 10 आ गया, यानी कि ये आ गया 110 माइनस 8 दिया 24, 240। अगर मैं माइनस करता हूं, अगर इसको मैं माइनस करूं तो ये आ गया 0, 3, 130, लेकिन आ रहा कितने का, माइनस का। तब ये बताइए मुझे आंसर, सब ज्यादातर मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, वो कहते हैं कि ठीक है एंगल माइनस का आ गया लेकिन लेंगे हम प्लस का, क्यों ये माइनस का आया क्यों, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है कि ये एंगल माइनस का आया। तो याद रखिए जब भी मैं इसको घड़ी में, इसको घड़ी बना के दिखाता हूं आपको, ये घड़ी है हमारी, ठीक है, या 12 या 6 या 9 या 3, 4, 5, 7 और ये 8, ठीक है, 8 बजकर, यानी कि 8 बजकर, जस्ट अ मिनट, 8 बजकर, यानी कि यहां से थोड़ा सा 8 बजकर ज्यादा हो जाएगा, 8 बजकर 20 मिनट, यानी कि यहां पर सुनिए, ये आपकी हो गई मिनट हैंड और ये हो गई आपकी आवर हैंड, ठीक है, ये थोड़ी सी आगे चली जाएगी ना 8 से, क्योंकि 8 बजकर 20 मिनट, क्योंकि ये भी 8 बजे से आगे आ गई मिनट हैंड, तो ये भी थोड़ी सी आगे चली जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, अगर आपकी एंगल निकालते समय, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंगल निकालते समय अगर आपकी मिनट हैंड पीछे है आपकी आवर हैंड से, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, अगर आपकी मिनट हैंड पीछे है आपकी आवर हैंड से एंगल निकालते समय, तो आपका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा जो एंगल आएगा, ठीक है। और अगर मिनट हैंड क्रॉस कर जाए, आगे निकल जाए, किससे किससे आगे निकल जाए, आवर हैंड से, तो आपका एंगल विल ऑलवेज पॉजिटिव, आपका एंगल पॉजिटिव आएगा। ये कारण है कि हमें कई बार एंगल निगेटिव आता है, कई बार पॉजिटिव आता है, तो ये नहीं कि निगेटिव आएगा तो छोड़ दो, नहीं, हमें पता होना चाहिए भाई ये निगेटिव आ क्यों रहा है, हो सकता है कल को क्वेश्चन यही आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, तब आप कहेंगे कि या वो कह दे कि आपकी मिनट हैंड पीछे है तो एंगल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, आप कहेंगे यार इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देखे नहीं। तो ये इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, किस अभी क्वेश्चन का पार्ट है जहां पे एंगल वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 8:48, 8:48 पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव में आंसर आएगा कि निगेटिव में आएगा, कुछ नहीं सर हम फटाफट ऐसे कर लेते हैं, हमने क्या बना दिया, घड़ी बना दी, यहाँ पे हो गया हमारा 12, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 6, यहाँ पर हमारा हो गया 9, यहाँ पर हो गया हमारा 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, ठीक है, ये हो गया 8 के बाद 9 के बाद 10 और 3 से पहले 2, इस तरीके से हम बढ़ेंगे 8:48। तो यहां से ये 8 बजकर यानी आगे निकल गया 8 बजकर क्या 48 मिनट, तो मुझे बताइए यहां पर तो मिनट वाली सुई 45 हो जाएगी, यहां पर 45 हो जाएगी, तो कोई यहां पे आएगी ना सुई, यहां पे आएगी मिनट, तो ये तो हो गई आपकी क्या मिनट वाली सुई और ये आपकी हो गई आवर हैंड। तो अब मुझे ये बताइए कि इस बार जो एंगल निकलेगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो आप कहेंगे सर आंसर हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि मिनट वाली सुई पीछे धकेल के पेल कर इसको आगे निकल गई, ठीक है, वो आगे चली गई,
इसको पीछे नमस्ते कह के आगे चली गई मिनट वाली सुई। तो अगर आवर वाली, मैंने आपको बताया अगर आवर वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई है, वो पीछे रह जाए और मिनट वाली आगे निकल जाए तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कई बार यहां तो नहीं दिया लेकिन कई बार क्या होगा, दो निगेटिव देगा दो पॉजिटिव देगा। तो आप समझ जाओ कि यानी जो निगेटिव हो तो हो गए नहीं, उसको तो अपने साइड कर देंगे। अब आपको दो में से मैच करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ चारों पॉजिटिव दिया है तो चेक करेंगे, ठीक है, हम एंगल निकाल रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 एम माइनस 30 इंटू एच, यही तो होगा। अब ये बताइए मुझे 11/2 यानी कि वेर इज 11/2, तो ये हो गया। मिनट कितने है, मिनट हो गए क्योंकि इसमें 48 तो हो गया आपका, 48 तो हो गया मिनट, 48 तो हो गया हमारा मिनट, और 8 हो गया हमारा आवर। तो लिख देते हैं 48 माइनस 30 इंटू एच की जगह हम कितने रख दें 8, तो इसको काटा 24 से, तो ये कितना आ गया, 24 से कम 24 हासिल को लगे 2, 24 से कम 24 और 2 26 माइनस 8 थी या 24 240 माइनस किया, जब माइनस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, एंगल विल 24 डिग्री यानी कि 24 डिग्री, योर आंसर विल 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए तो है बहुत सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 6:24, ठीक है, 6:24 पर घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई के बीच में क्या कोण बनेगा, या फिर 6:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा, ठीक है। वही 24 क्या है, 24 बताइए मुझे क्या है, ये मिनट हो गई, ये हमारी आवर हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2 एम माइनस 30 इंटू एच, ये तो होता है फॉर्मूला एंगल निकालने का, 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितनी है हमारे 24 माइनस 30 इंटू आवर कितने है 6, इससे डिवाइड करा ये आ गया 12, 12 कम 12 2 लिख दिया, 12 कम 12 और 13 ये तो होगा 132 माइनस 3 6 18, ठीक है। तो इसको अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, कितना आएगा अब मुझे बताइए, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, आपका 7 में से 4, 48 डिग्री क्या माइनस के, 48 डिग्री आया माइनस के, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मुझे बताइए 6:00 यहां पर ये क्लॉक है, ठीक है, यहां पर बजे, यहां लिख दो 9, यहां 3, यहां 6 और यहां पे 12, ठीक है, और यहां पे 4, यहां 5, तो 6 यहां पर तो होगी हमारी क्या, ये तो आवर हैंड हो गई, आवर हैंड हो गई। मिनट वाली सुई कहां है 24 पर, 24 कहां आएगा यानी 20 और ये 25, तो करीबन यहां आएगा, यहां पे ये थोड़ी सी आगे हो गई, तो ये हमारी होगी मिनट हैंड। तो मिनट हैंड आगे है कि पीछे है, मिनट हैंड पीछे है, इसलिए एंगल क्या आया माइनस 48 डिग्री आया, लेकिन यहां तो ऑप्शन है ही नहीं। अब ये पता लग गया कि माइनस 48 आया है, अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं, हो सकता है मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल ना देके ये वाला दे रखा हो आंसर में, भाई ये भी तो दोनों के बीच में कोण है, उसने कहा दोनों के बीच, दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, तो ये वाला भी कोण बन सकता है या ये वाला ही बन सकता है। तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा 360 माइनस 48, आप कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं करा, ये माइनस केवल ये बता रहा है कि मिनट वाली सुई की पोजीशन आगे है आवर हैंड से या पीछे है, इसका प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ
मिनट हैंड, मिनट हैंड की पोजीशन बता रहा है कि वो आवर हैंड से आगे है कि पीछे है, तो इसका मतलब अभी क्या है, पीछे है। तो 360 माइनस 48 करो, 10 में से कितना घटा आप देख लीजिए, घटाइए 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, यहां पे रह गया 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 और 3 सॉरी 2, यस 2, जस्ट अ मिनट, हाँ 10 में से 8 गए 2 बचे, यहां पे रह गया 5, 5 में से 4 गया 1 तो 312, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन यहां करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का मेथड आपको पसंद है, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।